This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So ये सबसे पहले आपको मैं 15 अक्टूबर 2020 के लिए जो मैंने लेवल्स दिए थे उनको समझा देता हूँ उसके बाद मैं आपको 16 अक्टूबर 2020 के लिए क्या आपके लिए बेटर रहेंगे वो मैं आपको बता दूँगा तो देखिए जैसे कि गोदरेज सीपी में आज क्या रहा बाकी तो हमारा नॉर्मली टारगेट अचीव हुआ था और फार्मा में गोदरेज से भी मैंने आपको जो दिया था ये मैंने आपको यूट्यूब पे दिया था तो उसका क्या हुआ पहले शॉर्ट सेलिंग साइड का पहले एस एल हिट हो गया उसके बाद बार साइड का टारगेट अचीव हुआ फिर दोबारा से शॉर्ट सेलिंग का ब्रेक लेवल ब्रेक हुआ उसके बाद दोनों टारगेट अचीव हुए तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि पहली बार में अगर एसल हिट होता है दूसरी बार आप वो कॉल ले सकते हैं क्योंकि जितना मैंने एडिक्ट किया रहता है वो हो जाता है पहुँचता है कभी बहुत ही कम चांसेस है कि वो ना पहुँचे तो पहली बार में अगर ऐसे हिट होता है दूसरी बार आप वो कॉल लीजिए आपको प्रॉफिट वो जो आपका लॉस हुआ है वो रिकवर होकर प्रॉफिट में आप आ जाएंगे ठीक है ये तो ईजीली मतलब आपका हो गया था बाकी मैं आपको बता दूं आ, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर स्टॉक्स प्रोवाइड किए थे तो टेलीग्राम चैनल पे देखिए पहले तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएगा मॉर्निंग में दो स्टॉक्स मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ तो इंडो बैंक मैंने दिया था जिसमें बाई साइड का पहले हमारा एस हिट हुआ फिर उसके बाद दोनों टारगेट वाइज अचीव हो गया इसमें क्या हुआ कि ये रजिस्ट नहीं कर पाया इतना और इसने बाय का लेवल ब्रेकआउट करने के बाद हमारे टारगेट से कुछ पॉइंट नीचे से फिर से नीचे आ गया फिर दोबारा से ऊपर गया और हमारे दोनों टारगेट वाइज अचीव किया शॉर्ट सेलिंग साइड का हमारा एक टारगेट वाइज इजीली अचीव किया था टाटा कंज्यूमर में हमारा क्या हुआ काफ़ी लोग कंफ्यूज थ मैं आपको बता दूं टाटा कंज्यूम में पहले हमारा शॉर्ट सेलिंग साइड का जो था टारगेट अचीव हुआ उसके बाद बाय साइड का तो आपको ध्यान रखना है कि गिरते मार्केट में आपको बाय नहीं करना है और उड़ते मार्केट में आपको उड़ते यानी कि बढ़ते मार्केट में आपको शॉर्ट सेल नहीं करना है ये बात तो आप ही को ध्यान रखनी पड़ेगी लेवल्स में आपको प्रोवाइड करूँगा बट ये बात तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेसिक चीज़ है कि गिरते मार्केट में आपको बाय नहीं करना है और बढ़ते मार्केट में आपको शॉर्ट सेल नहीं करना है अब काफ़ी लोगों ने क्या करा कि बाय का लेवल ब्रेकआउट हुआ गिरते मार्केट में वो आप मतलब कि जो मैंने कहा था कि एक मिनट का होल्ड लेगा वो नहीं लेते उसको इग्नोर करते हुए गैप अप ओपन होने के बाद भी जब दोबारा से नीचे आने के बाद तो बिना होल्ड या ऊपर बढ़ने लगा तो उन्होंने बाय कर लिया तो इस चीज़ में आपकी गलती होती है ऐसी चीज़ें मत कीजिए तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा बाकी पहली बार में अगर टारगेट अचीव हो जाता तो दूसरी बार आपको कॉल नहीं लेंगे ये बात भी ध्यान रखिएगा बाकी अगर आप छोटे से आप जो स्टॉक्स में प्रोवाइड करता हूँ वो रेंज उनकी हो जाती है फाइव हंड्रेड से थाउजेंड थाउजेंड के बीच में अगर बिलो फाइव हंड्रेड आपको चाहिए तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कांटेक्ट कर लीजिएगा बाकी डिटेल्स में आपको व्हाट्सएपे सेंड कर दूँगा तो सिक्सटीन अक्टूबर टू के लिए पहले मैंने आपके लिए चुना है क्यूब इन्वेस्ट इंडिया जिसमें आप क्या कर सकते हैं बाय करके चल सकते हैं जब लेवल ब्रेकआउट होगा फाइव एटी टू का तब आप इसे बाय कर लेंगे लेवल कैसे ब्रेकआउट होगा फाइव एट्टी टू पॉइंट वन जीरो जब हो जाएगा तब आप इसे बाय कर लेंगे स्टॉप लॉस रहेगा आपका फाइव सेवेंटी एट का टारगेट रहेगा फाइव एटी फोर फाइव नाइन एटी नाइन और फाइव नाइनटी फोर फाइव का देखिए पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ पहला टारगेट प्राइस स्मॉल क्यों रखा है अगर स्टॉक गैप डाउन ओपन होता है उसके बाद ये इतना ऊपर बढ़ने के बाद पहला टारगेट प्राइस अचीव कर ले और आप इजीली पहले टारगेट कुछ पॉइंट से प्रॉफिट कमा ले जो बिगनर्स है उनके लिए मैं पहला टारगेट प्राइस हमेशा स्मॉल रखता हूँ क्योंकि आजकल मार्केट का भरोसा नहीं है कि वो इतना अप जाए जाए तो गैप डाउन ओपन होने के बाद, बाद बाई साइड का टारगेट अचीव हो और गैप अप ओपन होने के बाद शॉर्ट सेलिंग साइड का पहला टारगेट प्राइस अचीव हो जाए इस हिसाब से मैं टारगेट निकालता हूँ तो चलिए अब बात कर लेते हैं शॉर्ट सेलिंग साइड के लेवल की ब्रेकआउट होगा फाइव सेवेंटी सेवन का लेवल कैसे ब्रेकआउट होगा फाइव सेवेंटी सिक्स पॉइंट नाइन जीरो जब हो जाएगा तब आप इसे शॉर्ट सेल कर देंगे फाइव एट्टी वन का आपका स्टॉप लॉस रहेगा टारगेट रहेगा आपका फाइव सेवनटी फाइव का फाइव सेवनटी वन और फाइव सिक्सटी सिक्स का ध्यान रखेंगे अगर स्टॉक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो आप क्या करेंगे गैप अप ओपन होने के पहले बाई के लिए कुछ कंडीशन अप्लाई होती है शॉर्ट सेलिंग के लिए नहीं और गैप डाउन ओपन होने के बाद शॉर्ट सेलिंग के लिए कुछ कंडीशन सप्लाई होती है बाय के लिए नहीं तो गैप अप ओपन होने के बाद आप क्या करेंगे कि जब मान लीजिए फाइव एटी फोर पर यह स्टॉक खुलता है तो आप फाइव एट्टी फोर से फिर फाइव फाइव एटी तक इस स्टॉक को आने दीजिए या फिर जो शॉर्ट सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर यानी कि फाइव सेवेंटी एट तक इस प्राइस को आने दीजिए फाइव सेवेंटी एट से लेकर फाइव सेवेंटी फाइव एटी वन के बीच में कहीं पर ये होल्ड लेगा एक मिनट का होल्ड कैसे लेगा देखिए एग से स्ट्रेड नहीं खड़ा होगा इसे अप एंड डाउन करता रहेगा उसके बाद दोबारा से लेवल ब्रेकआउट करेगा बाय का तब आप इसे बाय करेंगे एग्जैक्ट एक दो मिनट का होल्ड तो ज़्यादा बढ़िया है बट एक मिनट मिनिमम तो चाहिए uh, तो एक मिनट का होल्ड लेने के बाद जब दोबारा बाय का लेवल ब्रेकआउट होगा ले अप ओपन होने के बाद तब आप इसे बाय करेंगे और शॉर्ट सेलिंग के लिए जब गैप uh, वो uh, होल्ड लेने के बाद दोबारा से लेवल ब्रेकआउट करेगा शॉर्ट सेलिंग का तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे बाकी मैंने आपको बता दिया पहली बार में टारगेट अचीव होता है दूसरी बार आप वो कॉल नहीं लेंगे बट पहली बार में स्टॉप लॉस हिट होता है दूसरी बार आप वो कॉल ले सकते हैं ताकि आपका स्टॉप लॉस जो हिट हुआ है वो रिकवर हो जाए दूसरा स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है वो है बाला माइन्स जिसे आप बाय करके चलेंगे एट ट्वेंटी फाइव का लेवल ब्रेकआउट होने पे स्टॉप लॉस रहेगा एट वन सेवन का अब ये भी ध्यान भी रखिएगा एट वन सेवन एक्जैक्ट आप इतने पे बाहर नहीं आएंगे एट वन सेवन से जब नीचे आने लगेगी वैल्यू तब आप अपना एस एल हिट वन के ट्रेड से बाहर आएंगे टारगेट रहेगा एट ट्वेंटी नाइन एट थर्टी एट और एट फोर्टी सिक्स का शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी आपकी एट वन सिक्स की मतलब ये लेवल रहेगा और स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा हमारा एट ट्वेंटी फोर का एट ट्वेंटी फोर से जब ऊपर जाने लगेगी वैल्यू तब आप अपना एस हिट वन के ट्रेड से बाहर आएंगे टारगेट रहेगा एट वन टू एट जीरो फोर और सेवन नाइन्टी सिक्स का तो बाकी तो आपको व्हाट्सएप नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिस्प्ले में भी दिख रहा होगा आप हमें टेक्स्ट कर दी जी टैक्स कर दीजिए बाकी मैं आपको जो भी डिटेल होगी वो मैं आपको व्हाट्सअप पे सेंड कर दूँगा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ तब तक इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन को दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा